आपके अपने चैनल नॉलेज का ही मैं और मैं लेके आया हूँ आपको डेली करंट अफेयर। तो दोस्तों आज 15 दिसंबर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 15 तारीख का करंट अफेयर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस सदन के द्वारा विशेष सुरक्षा समूह संशोधन विधेयक पारित किया गया है? तो दोस्तों इसको भी हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किया है। डिटेल लिखें दोस्तों, इसको पारित कर दिया गया है इन दोनों के द्वारा। दोस्तों संसद ने विशेष सुरक्षा समूह SPG संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक के अनुसार प्रधानमंत्री और उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के निकट सदस्यों को ही SPG सुरक्षा मिलेगी। विधेयक के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार निकट सदस्यों को यह सुरक्षा मिलेगी, लेकिन यह 5 वर्ष तक के लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने किस उपग्रह यूरोपा की सतह के ऊपर जलवाष्प मौजूद होने की पुष्टि की है? तो यूरोपा जो है वह बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने यहाँ जलवाष्प होने की पुष्टि की है। अब यहाँ एक और प्रश्न पूछा जाता है कि किस उपग्रह में जीवन की संभावना विद्यमान है? तो यह उपग्रह यूरोपा है। तो अभी हाल ही में खोजे गए उपग्रहों में यूरोपा है जहाँ जीवन की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री के आंकड़ों के मुताबिक पिछले कितने वर्ष में भारत के समुद्र का स्तर 8.5 सेंटीमीटर बढ़ा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 20 वर्ष। हाल ही में किस देश के म्यूजियम में भगवान बुद्ध के सिर की एकमात्र दुर्लभ प्रतिमा लगाई गई है? तो दोस्तों पाकिस्तान में इसकी मूर्ति लगाई गई है। तो यहाँ दुर्लभ का मतलब एक प्राचीन मूर्ति पाकिस्तान में लगाई गई है। इसकी कैपिटल है इस्लामाबाद, करेंसी है यहाँ का रुपया और यहाँ के प्रेसिडेंट है शरीफ आरिफ अनवी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। और अभी कुछ दिन पहले ही शुगर कैन जूस को मतलब गन्ने के रस को इन्होंने अपना नेशनल ड्रिंक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मराकेच में सम्मानित की जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो अभी हाल ही में मराकेच में सम्मानित की जाने वाली पहली जो महिला है वो प्रियंका चोपड़ा बनी है। इन्हें हाल ही में मराकेच इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से सम्मानित किया गया है। अब यह जो मराकेच है इससे आप क्या समझते हैं? तो मराकेच यहाँ मेक्सिको की एक सिटी है, एक शहर है यहाँ का। यहाँ हम बात करें मेक्सिको की तो यहाँ का कैपिटल है खात और करेंसी यहाँ की है मोयरम दिरहम। साथ ही प्रियंका चोपड़ा और अवार्ड, इन्हें एक और अवार्ड मिलेगा, इसका नाम है मानवतावादी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा किस मिसाइल का प्रक्षेपण विफल रहा है? तो दोस्तों हाल ही में जो DRDO ने मिसाइल का परीक्षण किया था उसका नाम था अग्नि। तो अभी हाल ही में DRDO ने अपनी Agni-3 मिसाइल का प्रशिक्षण किया है जो कि अनसक्सेसफुल रहा है। बात की जाए DRDO की तो डिफरेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO के मोटो बनाया है इसे बल्लम विज्ञानम कहते हैं। इसके जो हेड है इनका नाम है G. Satish Reddy। इस साल इनको 2 अवार्ड मिले हैं। इन्हें कुछ समय पहले मिसाइल सिस्टम अवार्ड से नवाजा गया था और अभी हाल ही में ब्रिटेन ने इन्हें माना तो भांति दी है। तो G. Satish Reddy इनका नाम आपको याद रखना है, यह अभी करंट में काफ़ी चर्चा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज सिंह रूपन किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो मॉरिशस के बने हैं। डिटेल नोट करें, मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। इससे पहले मॉरिशस में कला व संस्कृत मंत्री थे। तो हाल ही में वहां की संसद ने इन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया है। मॉरिशस एक बहुत छोटी कंट्री है, यहाँ का कैपिटल लुइस है। लुइस यहाँ के प्रविंद जगन्नाथ, यहाँ के संविधान संसाधन नेशनल असेंबली और यहाँ की मुद्रा जो है वो रूपी है। हाल ही में कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा का इस्तेमाल करने वाला विश्व का पहला देश बना है? तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश बना है मोबाइल ट्रैकिंग में। यहाँ पर मोबाइल ट्रैकिंग जो है इसका मतलब स्मार्टफोन ट्रैक नहीं किया जाएगा, यहाँ पर गाड़ियों की ट्रैकिंग की बात है। तो इसका उपयोग करने वाला विश्व का पहला देश ऑस्ट्रेलिया बन गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी लोग गाड़ी चलाते समय फ़ोन का यूज़ करेंगे तो वह इस कैमरे की नज़र में आ जाएंगे और गाड़ी का शीशा भी लगा होगा तब भी वह इसकी पकड़ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 12वीं शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक अवार्ड जीता है? तो टॉनी जोसेफ ने अवार्ड जीता है। दोस्तों तो अभी हाल ही में यह पुरस्कार टॉनी जोसेफ ने जीता है। यह अंग्रेजी लेखक है, इनकी एक पुस्तक है अर्ली इंडिया द स्टोरी ऑफ अवर। यह पुस्तक 2018 में लॉन्च हुई थी। दोस्तों इस पुस्तक के लिए इन्हें शक्ति प्राइज मिला है। इसी तरह यह 12वीं पुरस्कार शक्ति भट्ट फाउंडेशन द्वारा इन्हें दिया गया है।
और दक्षिणी एशियाई के लेखकों को यह पुरस्कार मिला जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2008 में की गई थी। इसके तहत 2,00,000 रुपये की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने 2019 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.3% से घटाकर कितना कर दिया? तो दोस्तों 5.1% कर दिया है। तो अभी हाल ही में 6.3 से घटाकर 5.1 कर दिया गया है। और जापान की एक एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी नोमूरा, इसने अपना अनुमान लगाया भारत के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 4.7%। सभी संस्थाएं अपना अनुमान घटाती जा रही हैं। इसका कारण क्या है दोस्तों? भारत के लिए अपना जो अनुमान घट रहा है दोस्तों, इसमें औद्योगिक उत्पादन, वस्तु निर्यात, माल ढुलाई, बिजली उत्पादन में कमी, साथ ही साथ बढ़ते हुए बैंक कर्ज, ये सभी मुख्य कारण है। लेकिन इसके चलते भारत का GDP रेट लगातार घटता जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।